हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स का डिस्कशन किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके, फिर मास वेट का डिस्कशन किया। फिर हमने न्यू एक पार्ट डिस्कस करने चालू किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, ऐसा मैकेनिक्स कि जिसके अंदर हम फ्लूइड का डिस्कशन करते हैं, ओके। उसके बाद हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ओके। बाद में हमने डिस्कस किया थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट क्या है, तो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर होता है, नॉर्मली जो फोर्स लगता है कोई एरिया के ऊपर, उसको ही हम प्रेशर बोलते थे, सॉरी अब थ्रस्ट बोलते थे। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रेशर इन फ्लूइड एंड बायोन्सी फोर्स। तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किया उसमें हमने प्रेशर का डिस्कशन किया है, उसमें हमने ऐसा नहीं बोला कि प्रेशर लिक्विड के बीच में लग रहा है, ओनली हम डिस्कस कर रहे थे प्रेशर इन सॉलिड के बीच में, दो सॉलिड बॉडी के बीच में प्रेशर लगता है, वही हमने डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। तो क्या क्वेश्चन हमें होना चाहिए कि क्या लिक्विड के अंदर भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके स्टूडेंट। वो प्रेशर कैसे होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रेशर समझने के लिए पहले आपको फ्लूइड पता होना चाहिए। फ्लूइड हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के अंदर, तो पहले आपको फ्लूइड ही नहीं पता हो तो आपको प्रेशर का कोई मीनिंग ही नहीं है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड का जब भी वर्ड आता है तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड्स, ऐसा ही हम समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट, फ्लूइड का मतलब होता है जो इजीली फ्लो कर सके, वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। उसमें लिक्विड के अलावा भी गैसेस भी आ सकती हैं, ओके। गैसेस को भी हम फ्लूइड में ही लेते हैं, तो फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड एज वेल एज लिक्विड को भी, सॉरी फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड और गैसेस को भी लेंगे, ओके। तो हम पहले तो फ्लूइड की डेफिनेशन देना हो तो दे सकते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। और उसके अंदर ऑल लिक्विड एंड गैसेस, ओके, वो भी एक दूसरे के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। वो समझने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लूइड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर को आप जैसे कंटेनर में डालोगे वैसा वो शेप ले लेगा, ओके। उसके पास मास है और कुछ वॉल्यूम है, लेकिन शेप नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई कंटेनर में हम इसमें रख रहे हैं, ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये मान लो कि आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड में मान लो कि आपके पास H2O ही है, H2O मतलब वाटर ही है, ओके। वाटर को मैंने इसके अंदर फिलअप कर चुका हूँ, ये मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैंने वाटर भरा हुआ। अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ से एक छोटा सा होल करूँ, ओके, यहाँ से होल कर रहा हूँ, तो यहाँ से वाटर बाहर की तरफ आ रही है इसे, ओके। ये फर्स्ट होल किया मैंने, सेकंड में यहाँ पे एक होल कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से जो वाटर बाहर एग्जिट हो रही है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। फिर ये थर्ड जो है मेरे पास, ये वाला, यहाँ से मैं होल बना हुई है, मेरा सेकंड नंबर ये थर्ड नंबर, यहाँ से मैं होल करूँ तो यहाँ से जो वाटर आएगी ये कुछ यहाँ तक जाएगी, मतलब ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी, ओके। तो ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन मिलेगा आपको कि देखो कि जो थर्ड वाला है उसमें जो लेयर है, पानी की जो लेयर बाहर निकल रही है, सॉरी पानी की जो जेट बाहर निकल रही है वो स्ट्रांग निकल रही है, ओके। जो पानी की धारा निकल रही है वो कैसी है, स्ट्रांग निकल रही है और ज़्यादा दूर तक जा रही है। और यहाँ पे एंगल भी कैसा है, ज़्यादा होगा थीटा 3, यहाँ पे थीटा 2 कम होगा, यहाँ पे थीटा 1 और कम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो कि ये वाले रीजन पे ये जो वाटर के लेयर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होगा तभी फ्लूइड ज़्यादा स्पीड से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूर जा रहा है, तो मतलब मैं ये लेयर पे प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लग रहा होगा। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिल सकता है कि फ्लूइड के लेयर के बीच में भी प्रेशर लग रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये तीन लेयर में कंसिडर करो, ये तीन लेयर, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो वेट जो है वो W, क्योंकि स्टूडेंट ये जो वाटर है वो चारों तरफ अपने सराउंडिंग में फोर्स लगाएगी, देखो यहाँ पे भी लगाएगी, यहाँ पे भी लगाएगी इसे, तो फोर्स हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेट फोर्स ग्रेविटेशनल के वजह से डाउनवर्ड में लग रहा है, तो यहाँ का वेट फोर्स मान लो कि W है, ये फर्स्ट लेयर का, यहाँ का 2W क्योंकि 2 लेयर आ गए, यहाँ का मान लो कि 3W, तो देखो कि फोर्स बढ़ेगा, W मतलब वेट फोर्स है,
जो ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड में लगाता है। तो यहाँ पे W, यहाँ पे 2W, यहाँ पे 3W। तो स्टूडेंट फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा सामने, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रेशर वेट बढ़ने से इंक्रीज होते जाएगा। तो ये थर्ड लेयर जो है उसके ऊपर तो बाकी के 2 लेयर्स आए, मतलब टोटल जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 3W जितना हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो जो पानी की जो धारा है वो दूर तक जाएगी, ओके, वो स्ट्रांगली बाहर निकलेगी और स्पीडली बाहर निकलेगी। तो ये हमने यहाँ पे प्रेशर इन फ्लूइड समझा, ओके। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो। प्लास्टिक की बोतल के अंदर आप पूरा यहाँ पे पानी फिलअप कर दो, पूरा पानी भर दो, फिर एक होल यहाँ पे करना, एक होल यहाँ पे, ऐसे 2-3 होल करना। तो आपको दिखेगा कि ये जो नीचे वाला जो होल होगा उसमें फ्लूइड बाहर तक दूर तक जाएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे एकदम नीचे, और यहाँ पे तो ऐसे धीरे धीरे गिरेगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो कि ये वाला जो लेयर है, ये जो थर्ड होल है, जो लास्ट होल है, उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, इसलिए यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो स्पीडली बाहर निकलेगा, ओके, क्लियर। तो ये फ्लूइड के अंदर लगने वाला प्रेशर फॉर्मूला सेम है, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोएंसी। ये बायोएंसी क्या होता है स्टूडेंट, वो समझने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम। कि मान लो कि आपके पास कोई ग्लास हो, मान लो कि आपके पास ग्लास है, प्लास्टिक का ग्लास ही सपोज करो, चलो ये प्लास्टिक के 3 ग्लास ले लेते हैं, ये तीनों ग्लास है आपके पास प्लास्टिक के, ओके। ये तीनों ग्लास के अंदर आप वाटर पहले तो भर दो, ये तीनों ग्लास के अंदर पहले तो वाटर भर देते हैं, ओके। ये वाटर भर दिया मैंने तीनों ग्लास के अंदर, अभी क्या करना है, तो कि प्लास्टिक का जो आपने बोल देखा होगा जो अंदर से होलो होता है, तो फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लास्टिक का बोल रख रहा हूँ फ्लूइड के अंदर, और उसको डीप कराने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो ऊपर की तरफ ही आ रहा है, मतलब वो वाटर की सरफेस के ऊपर ही रह रहा है। इसका मतलब क्या, तो कि वाटर की सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, वाटर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपने पास प्लास्टिक का जो होलो बॉल है उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। उस फोर्स के वजह से वो अपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना चालू करेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ओके स्टूडेंट। तो देख सकते हो कि ये पानी में अंदर सिंक नहीं कर पाएगा, जो वाटर है उसके अंदर सिंक नहीं कर पा रहा है प्लास्टिक का जो होलो बॉल है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो कि इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तो क्या ये वाटर लगा रहा है उसके ऊपर। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोएंसी फोर्स, या तो बायोएंट फोर्स बोल सकते हैं। कि ये इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसको ही बायोएंसिंग फोर्स बोलेंगे। इसका जो वेट होगा उसके, मतलब उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा W इक्वल्स टू mg, वो डाउनवर्ड में होगा। लेकिन फर्स्ट केस में स्टूडेंट आप देख सकते हो कि FB इज ग्रेटर देन W, ओके। वेट फोर्स से ये बायोएंसिंग फोर्स ज़्यादा है, इसलिए कोई भी बॉडी इसमें सिंक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा, ओके। सेकंड केस में मान लो कि आपके पास रबर का बोल है और वो हाफ क्या कर रहा है, इसमें हाफ पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है और बाहर मतलब थोड़ा पार्ट बाहर है, मतलब आधा जो बॉल का जो आधा जो लेयर है वो किस में है, वाटर के अंदर है, और आधा पार्ट जो है कहाँ पे, एयर के अंदर है। तो उस केस में क्या हुआ होगा, तो इसके अंदर डाउनवर्ड में तो W लगेगा ही, अपवर्ड में क्या लगेगा, बायोएंसी फोर्स लगेगा। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि बायोएंसी फोर्स इक्वल्स टू W, मतलब मैं अपने जहाँ पे उसको इमर्ज करवाया वाटर में वहीं पे रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, तो इसके ऊपर का जो बायोएंसिंग फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, और जो डाउनवर्ड में जो लगने वाला फोर्स, जो वेट फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, वो दोनों इक्वल है। तो वो अपनी मोशन को क्या करेगा, मतलब जहाँ पर हम रखेंगे वहीं पर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो, तो जहाँ पे भी हम रखेंगे वहीं पे वो रहेगा। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ओके। और थर्ड केस में मान लो कि आपके पास मेटालिक बॉल है, मेटालिक बॉल हो तो वो क्या करेगा, नीचे एक तरफ सिंक करेगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वेट फोर्स ज़्यादा लगेगा और जो बायोएंसिंग फोर्स है FB वो कम होगा। तो आप लिख सकते हो FB इज स्मॉलर देन W, क्योंकि यहाँ पे वेट फोर्स ज़्यादा है, तो इस केस में ये क्या करेगा, नीचे की तरफ सिंक करेगा, ओके। क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से हम लिख सकते हैं वेट फोर्स W इक्वल्स टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स। मास बढ़ेगा
तो ये W भी बढ़ेगा, W बढ़ेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले वाले केस में होलो था, दूसरे वाले केस में रबर बोल लिया, थर्ड वाले केस में हमने क्या लिया, मेटालिक बोल लिया। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन के ऊपर से आप बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग करना चाहेगा तो कब फ्लोटिंग करेगा, जब उसका मास कम हो या तो उसका जो उसके ऊपर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो वाटर लेयर के ऊपर या तो लिक्विड के ऊपर वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। और जहाँ पे हम उसको इमर्ज करो वहीं पे रहना चाहेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नीचे की तरफ सिंक कराने के लिए क्या चाहिए, उसका वेट फोर्स बायोसिंक फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये नीचे की तरफ सिंक करेगा। ओके, तो आई होप सभी को बायोसिंक फोर्स और ये प्रेशर इन फ्लूइड समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो थियरी है वो हम पढ़ेंगे डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो, ओके स्टूडेंट, प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ने के बाद न्यू जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डेंसिटी। तो स्टूडेंट ये डेंसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो समझना आपके लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये डेंसिटी आपको आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी क्या है वो समझते हैं। तो स्टूडेंट डेंसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर दो क्लास सेम है, क्लास का जो साइज़ है वो सेम है। एक क्लास के अंदर मान लो कि 50 स्टूडेंट है और दूसरे क्लास के अंदर मान लो कि 5 स्टूडेंट है, तो कौन से क्लास में नंबर डेंसिटी ज़्यादा है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो कि 50 वाले में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 50 वाला जो क्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, स्टूडेंट की डेंसिटी ज़्यादा है। तो मतलब मैं सेम वॉल्यूम में या तो गिवन वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, गिवन वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट मास डेंसिटी। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है उसमें हम मास डेंसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उसको इजी लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट मास पर यूनिट वॉल्यूम, के मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो तो मतलब मैं आपको क्या पता चलेगा, डेंसिटी पता चलेगा कि कितना वहाँ पे मास गिवन वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो रहा है। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अभी स्टूडेंट डेंसिटी को हमें मैथमेटिकली जब लिखना होता है तब हम उसको डिनोट करते हैं रो से, ये इसको बोला जाता है रो, ये लैटिन अल्फ़ाबेट है। ओके, ये सिंबल है डेंसिटी का। इक्वल्स टू मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से या तो स्मॉल एम से, कोई भी है एम से डिनोट किया जाता है, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से। तो ये हो गया आपका डेंसिटी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला। अभी स्टूडेंट डेंसिटी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी है, तो उसको हमें उसका यूनिट भी लेना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी मेजर कर रहे, तो कौन से यूनिट में उसको मेजर करेंगे। तो यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करें, तो उसमें यूनिट क्या होगा, तो फर्स्ट मास को किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, केजी में। वॉल्यूम क्या है, तो के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तीनों क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये इसका यूनिट हो गया, क्लियर। तो ये डेंसिटी के बारे में इतना। अभी डेंसिटी को और ज़्यादा हम डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वुडन का ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, देखिए एक वुड है, और आपके पास एक है आयरन पिन। ओके, आयरन पिन, ये तो पिन लिख देता हूँ मैं। ओके, आयरन पिन है। अब स्टूडेंट देखो कि जो वुडन ब्लॉक है, पहले केस में देखोगे वुडन ब्लॉक को हमने पानी के अंदर इमर्ज करा रहे हैं, लेकिन वो अंदर डूब नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है। सेकंड केस में हमने जैसे ही आयरन पिन को इमर्ज किया वो नीचे की तरफ सिंक होते गया, तो ऐसा क्यों, इसमें सिंक हो रहा है और इसमें फ्लोटिंग हो रहा है, ऐसा क्यों। तो कि स्टूडेंट देखो कि वुड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, यहाँ पे वुड का जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो कि ये वॉल्यूम ज़्यादा हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले केस में डेंसिटी कम तो क्या होगा, देखो उसके ऊपर जो बायोसिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा। ओके, बायोसिंग फोर्स बढ़ जाएगा तो वो अपवर्ड की अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो तो बायोसिंग फोर्स क्या है, तो लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे जो रो सब्सटेंस है, मतलब मैं जो सब्सटेंस की या तो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर होगा W,
तो उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा स्टूडेंट, फ्लोटिंग करेगा। ओके ओके, ये फ्लोट करेगा। और सेकंड केस में देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है सब्सटेंस का, मास बाय वॉल्यूम की बात करिए कम है तो सब्सटेंस का डेंसिटी बढ़ जाएगी, और सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ेगी तो इस केस में आपका रो डब्ल्यू से बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये सिंक करेगा सेकंड केस में। ओके, तो कोई चीज़ फ्लोटिंग कब करेगा तो कि जब जिसका डेंसिटी क्या हो वाटर की या तो लिक्विड से ज़्यादा कम होगा तभी वो फ्लोटिंग करेगा। मतलब मैं जो सब्सटेंस या तो ऑब्जेक्ट ले रहे उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो चीज़ उसके ऊपर फ्लोटिंग करेगी सरफेस के ऊपर। अभी जब डेंसिटी ज़्यादा हो कोई सब्सटेंस की लिक्विड से तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ सिंक करेगा। वही हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो जो स्टीमर होती है बड़ी सी स्टीमर, ओके, जो हम सबमरीन की बात करते हैं तो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करती है। लेकिन जो बड़े बड़े जहाज जो फ्लोटिंग करते हैं वो भी आयरन के बने, और एक आयरन की छोटी सी नील अंदर सिंक कर जाती है और ये पूरा सा बड़ा सा जो स्टीमर है या तो जो कार्गो शिप है वो अंदर सिंक नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न क्या है तो कि जो कार्गो शिप है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और जो आयरन पिन है या तो आयरन नील है उसकी जो वॉल्यूम है वो कम है। वॉल्यूम कम होने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो लिक्विड के अंदर फ्लूइड के अंदर वो क्या करेगा, सिंक करेगा। लेकिन कार्गो शिप की बात करें, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, तो कोई सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो तो यहाँ पर क्या करेगा, वो चीज़ वो सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग करेगी। आइस के केस में भी ऐसा है क्योंकि आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है इसलिए वाटर सरफेस के ऊपर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। ओके, तो ये डेंसिटी का टर्म आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छे से डायग्राम नोट कर, ये थियरी पार्ट नोट कर सकते हो आप। ओके, इसके बाद हम रिलेटिव डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंटली ही आया हुआ है। आर्किमिडीज करके साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया होगा उसके ऊपर से एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नेम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं यहाँ पे। कि मान लो कि आपके पास एक पानी भरा बकेट है, ऐसे पानी भरा बकेट, ओके, उसके अंदर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करवा रहे हो, हैवी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करवाए यहाँ पे। तो स्टूडेंट देख सकते हो कि इसके ऊपर जो बायंसिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा और वेट फोर्स डाउनवर्ड में लगेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे पूरा कोई स्पेस ही नहीं था, आप इसके अंदर इमेज करा रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तब ये अपने सराउंडिंग का जो वाटर का जो मास या तो वॉल्यूम है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे एक होल के वजह से यहाँ से वो डिस्प्लेस जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो स्टूडेंट आर्किमिडीज ने क्या बोला कि जो कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, हैवी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करवाए फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर लगने वाला जो बायंसिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आपके जैसे इसमें आपने एंटर करवाया कोई सब्सटेंस को, 5 kg का था तो यहाँ पे पॉइंटर आपको 3 kg दिखाया, अंदर की तरफ रखा था तो उसके ऊपर 2 kg जितना अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी 3 kg दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुआ जो वाटर है वो कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 kg ये डिस्प्लेस वाटर और जो बायंसिंग फोर्स है वो भी कितना होगा, 2 kg। तो वही बस वही ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ओके क्लियर। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, तो कि वो रेशियो है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो हमें जब डेंसिटी निकालना होता है सिंपल, पहले तो आप मान लो कि आपको आपकी हाइट मेजर करनी है, ओके, आपके हाइट का मेजरमेंट करना है या तो कोई भी मेजरमेंट करना है, तो उस केस में आप किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हो, तो कि जीरो के रिस्पेक्ट में, ओके। सिमिलर हमें कोई डेंसिटी मेजर करनी हो तो हमें कोई एक रिलेटिव देना पड़ेगा कि किसी के रिस्पेक्ट में हम मेजर करें। तो यहाँ पे हम H2O को, मतलब वाटर के डेंसिटी को हम एक रेफरेंस लेते, उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम दूसरी डेंसिटी को मेजर करते, तो बस वही क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। ओके, वाटर के जो डेंसिटी है उसको हम सब्सटेंस के साथ रेशियो करें, मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको मैंने यहाँ पे H2O लिखा। क्लियर। अभी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय सब्सटेंस का वॉल्यूम इनटू, ये डिनोमीटर में क्या आएगा, मास
ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका H2O का मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके रिलेटिव डेंसिटी में दोनों डेंसिटी डेंसिटी इसलिए इसका यूनिट नहीं आएगा. ओके अभी देखो कि ये H2O ज़्यादा होगा मतलब डेंसिटी ऑफ H2O ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा तो कोई बॉडी फ्लोटिंग करेगा हमें पता है. ओके हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी यहाँ पे फ्लोटिंग कर रही है उस केस में इसकी जो डेंसिटी है या तो उसके ऊपर लगने वाला जो बायंसिंग फोर्स है वो ग्रेटर देन W होता है या तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है. तो स्टूडेंट ये रेशियो ये आपका ज़्यादा होगा तो उस केस में आप बोल सकते हो कि सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी लेकिन रेशियो ये कम आएगा वन से कम आएगा पॉइंट में आएगा तो उस केस में आप बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है. तो रेशियो आपका कम आ रहा है तो उस केस में बॉडी आपका क्या करेगा फ्लोटिंग करेगा लेकिन सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा सिंक करेगा. क्लियर तो वो रिलेटिव डेंसिटी आपका ग्रेटर देन वन होता है. क्लियर तो ये रिलेटिव डेंसिटी है सिंपल टॉपिक है अच्छे से नोट करो. ओके आई होप सभी को रिलेटिव डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड का अंदर लगने वाला प्रेशर ओके बायंसिंग फोर्स समझ में आया होगा. ओके तो यहाँ पे अपने जो टॉपिक्स है ग्रेविटेशनल चैप्टर के थियोरिटिकल पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ओके थैंक यू.